आपने शेरशाह मूवी देखी हो तो शेरशाह मूवी में भी सिद्धार्थ मल्होत्रा इसी बुक से पढ़े करते हैं। सेकंड व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं इस व्लॉग में आपको अपना प्रेजेंट स्टडी रूम दिखाऊंगा और ये व्लॉग आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज अगर आप एनडीए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है, अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है, भाई आपको सब बताने वाला हूं। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो फ्रेंड्स ये है मेरा प्रेजेंट स्टडी रूम और यहां बैठ के मैं केवल लाइट में पढ़ाई करता हूं। अच्छा, डे में मैं नीचे करता हूं वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। मैं आपको बुक दिखाता हूँ कौन सी बुक किसके लिए बेस्ट है, एनडीए के लिए और एसएसबी के लिए बुक बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स ये है अरियंत की पाथफाइंडर, ये एक बेस्ट बुक है एनडीए के लिए। आप इससे एनडीए के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो भाई ये बहुत ही बेस्ट बुक है, आप इसको ले सकते हैं एनडीए के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा बेस्ट चाहिए तो भाई आपसे मैंने पहले भी कहा था आपका जो 11th 12th का सिलेबस होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 11th 12th का सिलेबस कर दीजिए, आपका एनडीए फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने अभी तक धर रखी है अपनी 11th 12th की बुक्स, तो इन्हीं से पढ़ लेता हूँ मैं। ये मेरे को आती है वैसे तो दोनों कंप्लीट है मेरे। और देखो भाई नोट्स, भाई नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स जरूर बनाया करें। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर एक सब्जेक्ट के अपने नोट्स बनाएं जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, ठीक है। तो भाई नोट्स बिना नोट्स के पढ़ाई ना करें बिल्कुल भी। ये बुक्स ये हमारी कॉपी धरी है सारी। मैं आपको एक और बता देता हूँ, ये है देखो अरियंत की एयरफोर्स के एस ग्रुप की, ये भी एक बेस्ट बुक है। अगर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए आप अरियंत की ले सकते हो। इसे एक्स ग्रुप में तो भाई एक्स के अगर आप जिस तैयारी करो भाई अरियंत की और दिशा की सारी बुक बेस्ट होती हैं। अगर फ्रेंड्स आपकी इंग्लिश वीक है तो फ्रेंड्स ये है नीतू सिंह की इंग्लिश की बुक, ये एक बहुत ही अच्छी बुक है फ्रेंड्स, आपको इससे ग्रामर भी अच्छे हो जाएगी। फ्रेंड्स मैं भी इंग्लिश इसी बुक से पढ़ता हूँ, तो आप अगर इंग्लिश आपकी बेकार तो फ्रेंड्स आप इससे पढ़ सकते हो। और तो भाई ये तो वैसे मेरे किसी काम की नहीं, ये तो बस मैं कभी कभार पढ़ लेता हूँ इसको नेवी की है तो। और ये हमारा वाई ग्रुप की है, वाई ग्रुप की मैं पढ़ता नहीं हूँ, धरी है बस मेरे पे। और ये जीके के रेलवे की, इसमें जीके जो बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं। फ्रेंड्स मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि हमारा जो 11th 12th है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका सिलेबस। आप 11th 12th में अगर सही से पढ़ाई कर लेते हो ना तो आप कोई भी एग्जाम हो चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो या फिर एनडीए हो आप उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर दोगे। अगर आप 12th से नीचे के स्टूडेंट हो ना प्लीज़ आप 11th 12th में सही से मेहनत करें और उसको जो हमारा सिलेबस 11th 12th को उसको सही से कवर करते हुए चले पहले से, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे तक होने वाली है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएसबी के लिए ये भाई डॉक्टर एन के नटराजन की द कंप्लीट गाइड, ये अगर आपने शेरशाह मूवी देखी हो तो शेरशाह मूवी में भी सिद्धार्थ मल्होत्रा इसी बुक से पढ़ाई करते हैं। एसएसबी के लिए बेस्ट बुक है ये, केवल आपको गाइड कर सकती है, बुक से कभी भी आप एसएसबी को क्रैक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भाई आपको अपना आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अपने आप को डेली रूटीन चेंज करना पड़ेगा। एसएसबी तय है तुम्हारे नेचर पे भी डिपेंड करती, सब चीज़ डिपेंड करता है भाई एसएसबी पे तुम्हारा, बुक्स केवल तुम्हें गाइड कर सकती हैं बस। तो फ्रेंड्स बस इतना कहूँगा। चलो मैं अब आपको एक मेज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर बैठ के मैं थोड़ी एडिटिंग कर लेता हूँ। ये जो है ये मेज है, इस मेज पर मैं बैठ के मतलब थोड़ी एडिटिंग कर लेता हूँ यहाँ पर। और फ्रेंड्स ये मेरा कीबोर्ड है, मैं इसे फ़ोन में कनेक्ट कर लेता हूँ और टाइपिंग वाइपिंग करने के लिए मैं इसी से टाइपिंग करता हूँ ज़्यादातर। फ्रेंड्स वहाँ पर बैठने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, देखो अभी माहौल बन जाता है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब मैं इस लाइट को बंद कर देता हूँ, ये अब देखो ये कोने में बैठ के आराम से तुम पढ़ सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो बिल्कुल सारा फोकस के साथ। तो यार फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होती है, इग्नोर इट। तो फ्रेंड्स अब नीचे चलते हैं, नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर मैं दिन में पढ़ाई करता हूँ और अपना बेडरूम भी दिखाऊंगा आपको कहाँ पर सोते हैं हम, और मेरा एंजॉय करने के लिए होम थिएटर भी है उसे भी दिखाता हूँ। चलो तो फ्रेंड्स ये है अपना छोटा सा हॉल है बस, और ये फ्रेंड्स ये मेरा होम थिएटर है, इसे मैं बजाता हूँ दबा के माइंड फ्रेश करने के लिए, कभी सॉन्ग सुन लेते हैं इसमें हम। और ये क्या धराकट्टे में, तो फ्रेंड्स इसके अंदर बाज रहा है, तो फ्रेंड्स ये बाज रहा है इसके अंदर। आप भी भाई जो हमारे बेजवान पंछी होते हैं उनके लिए भी भाई छत पर अपने कुछ पानी वानी धरे करें, उनके लिए धूप में अपने इधर उधर डोलते रहते हैं भूखे प्यासे, यार उनकी हेल्प करे करो, बारिश में कुछ उनके लिए प्रबंध करे करो छत पे हमारे, उन्हें सब चीज़ का प्रबंध कर रहा है, उन्हें खाने के लिए धरते हैं इनके बाजरा, तो आप भी इस तरह से उनकी हेल्प जरूर करे करें। और ये फ्रेंड्स लटकने के लिए है, ये मैंने बनाया था लटकने के लिए अपना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एंजॉय भी करने के लिए अपना गाने वाने बजा का मज़ा आता है वैसे, मतलब जब माइंड फ्रेश करना होता है तो अभी माहौल बना देता हूँ देखो।
तो फ्रेंड्स पार्टी खत्म हुई भाई, पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी चाहिए होता, थोड़ा माइंड वाइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा ऐसे कर लेते। चलो तो अब नीचे चलते हैं, नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ अपना जहाँ पर मैं दिन में स्टडी करता हूँ। चलो तो चलते हैं। और ये इसमें क्या देखोगे, इसमें तो प्राइवेट ट्यूब है वैसे भी। ए, इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? इसके बाद उजाले हो जा रहा है। तो ये हमारा बेडरूम है, तो फ्रेंड्स ये हमारा बेडरूम है। चलो तो फ्रेंड हम नीचे चलते हैं बहुत जल्दी से तेजी से में। और यार ये इन सीढ़ियों की एक खासियत हो रहा है कि यही सीढ़ियां नीचे से ऊपर आती हैं और यही सीढ़ियां ऊपर से नीचे जाती हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो फ्रेंड्स ये मेरी BMW है। क्या बोला तूने? तो फ्रेंड्स ये मेरी BMW है। अबे साले भाई इसी पे जाता हूँ मैं हर जगह पर, लेकिन अब मैं कहीं जा रहा हूँ, मतलब जब से हम यहाँ आए जब से मैंने कम से कम एक या दो मिनट चलाई है बस। तो फ्रेंड्स यार चौंकने वाली बात नहीं है, ये इस अब ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये कम से कम मैं 4 महीने बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो इससे पहले मैंने जो शूट किया है वो 4 महीने पहले का। मैं नहीं मानता, उस टाइम पे गर्मी थी बल्कि अब तो ठंड हो रही है, मैंने शर्ट पहन रखी वीडियो को मारूँ ना मुझे भी ठंड लग रही थोड़ी बहुत। एंड फ्रेंड्स मैं इसको इतने दिन बाद शूट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मैंने कैप भी नहीं पहन रखी है, क्योंकि यार उस टाइम मैं थोड़े मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे थे, अब बाल भी ठीक ठाक बड़े हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं इतने दिन बाद शूट कर रहा हूँ इसको, यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया था। एक तो मेरी थोड़ी पढ़ाई तो हो रही है यार, मैं कह रहा था ऐसे नीचे वाले रूम में बैठ के मैं दिन में पढ़ाई करता हूँ, तो यार यहाँ तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। उस टाइम मैं 4 महीने पहले होती थी, तो फ्रेंड्स अब नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। एंड फ्रेंड्स मैं अब आपको दिखा देता हूँ ये रूम थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स ये है अपना नीचे का रूम, ये देखो कुर्सी है यार, ये जरा यार अब देखो ठंडी इतनी हो रही है कि अब हमें कंबल भी निकालना पड़ेगा, मैं 4 महीने बाद कर रहा हूँ। देखो टाइम भी देख सकता हो, टाइम क्या हो रहा है इस टाइम आप देख सकते हो 6:30 बजने वाले हैं, तो मतलब यार मैं शाम को शूट कर रहा हूँ। यह खाट अपनी, इस खाट की खासियत और फ्रेंड्स आप इस पर बैठने के साथ साथ लेट भी सकते हो। एंड फ्रेंड्स ये मेरी कुछ BSC की बुक्स हैं, और ये एंड फ्रेंड्स ये है लूसेंट की GK की बुक है फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छी बुक है फ्रेंड्स, अगर आप GK पढ़ना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप इससे पढ़ोगे, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो GK इससे पढ़ना, ये बहुत ही अच्छी बुक है। अच्छा हमको सिखा दिया है। एंड फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ और भी कुछ, एंड अगर वीडियो को जो पहला शूट था मैंने वहाँ से एंटर किया था, वो मेरी साइकिल खड़ी है, ये भी 4 महीने से ऐसी खड़ी है फ्रेंड्स, एंड यहाँ से मैंने एंटर किया है अभी। मैंने अभी बताया फ्रेंड्स मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ साइकिल, क्योंकि यार साइकिल चलाने में समझ जाओ। ओह माय गॉड, अब मैं साइकिल चलाता हूँ तो ये फ्रेंड्स जब मैं स्कूल जाता था जब ये है, तो ये है अपना। एंड फ्रेंड्स पापा को मैंने आपको बताया था यहाँ पर ओनली मेरे पापा सोते हैं, मैं ऊपर सोता हूँ। एंड तो फ्रेंड्स ये हमारा नीचे का रूम। तो फ्रेंड्स आप देख लो इतने से सूट के लिए, मतलब ऐसे 1-1.5 मिनट के सूट के लिए मैंने 4 महीने वेट करना पड़ा, मतलब 4 महीने बाद अब सूट कर रहा हूँ, बाकी का सारा पहले हो गया था। मेरे देखो फेस भी चेंज हो गया, थोड़ा दाढ़ी वाढ़ी सी भी आ गई है देख लो। और उस टाइम मैं गंजा था, मैंने कैप पहनना की थी, मतलब गंजे नहीं उस टाइम में मेरे छोटे छोटे बाल थे, मेरे बाल भी ठीक ठाक बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इसलिए मैं कैप नहीं पहन रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इतने दिन बाद शूट कर रहा हूँ मैं, एडिटिंग भी नहीं कर पाया तो उसके थोड़ा एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा सूट ले लिए थे जिनके कारण मुझे एडिटिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फ्रेंड्स देख लो आप कितनी मेहनत लग रही है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यार ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, देख लो 5 महीने वेट करा, मतलब 4 महीने वेट करा मैंने अब ये अपलोड किया है। सूट तो उसी टाइम पर कर लिया था मैंने आधे से ज़्यादा, बाकी का सूट अब हुआ है, तो इस सूट के मारे ये व्लॉग रुका पड़ा था। तो ये मेरा फ्रेंड्स परजेंट स्टडी रूम, मैंने दिखा दिया आपको सब कुछ। तो अब तो कुछ चेंजेस भी हो गए, बल्कि 4 महीने बहुत चेंजेस हो चुके हैं स्टडी रूम में भी। एंड फ्रेंड्स तो यार व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक करना,
एंड फ्रेंड्स मैं आप थोड़े इसमें कॉमेडी भी रख रहा था, मैं बीच बीच पॉइंट से मार रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, यार लाइफ में सब कुछ करो लेकिन परिवार के सपनों के साथ। तो यार इन्जॉय भी करो यार, स्टडी के साथ साथ इन्जॉय भी ज़रूरी होता है, इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है। इसलिए मैं थोड़े बहुत जोक मार रहा था। तो मैं ऑलराउंडर हूँ भाई, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। तो फ्रेंड्स यार एक प्यारा सा लाइक कर दो यार, 4 महीने बाद मैंने वेट करवाया इसका। अब मैंने पिछला व्लॉग आपने देख लिया, अगर नहीं देखा तो यार जाके देख लेना, उससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है तो फ्रेंड्स, तो व्लॉग यार अच्छा लगा तो यार व्लॉग को लाइक करो एक प्यारा सा, इस पर तो यार लाइक ज़रूर कर दो यार, इस पर लाइक करे बिना मत जाओ बिल्कुल भी। एंड पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा तो उसे जाके देखो। इस पर एम करते हैं ओनली 100 लाइक। तो यार 100 लाइक तो कुछ भी नहीं है, तो कर दो यार 100 लाइक। चलो तो यार फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।